हेलो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि भाग टू केमिस्ट्री का रासायनिक विज्ञान। ये रासायनिक विज्ञान है दोस्तों, कक्षा 11 का भाग टू। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, डॉक्टर एचसी श्रीवास्तव जी का है बुक। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर की लुक देखते हैं हम लोग। देखिए रासायनिक विज्ञान की कक्षा 11 भाग टू। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक क्या नाम है, डॉक्टर एच सी श्रीवास्तव जी हैं। ठीक, ये नवीन प्रकाशन का है। देखिए इसकी क्वालिटी, कक्षा 11 का सिलेबस, देखिए इसका सिलेबस क्या है। पूरी सिलेबस तो टोटल इतने ही है आपका, लेकिन इस बुक में इतना पूरा दिया है, दो भाग में पार्ट में बतलाया गया है। सिलेबस को जिस स्टूडेंट को लिखना है वो लिख लें। देखिए भाग टू का सिलेबस है, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है दोस्तों, 8। इसमें भाग टू में जो है यह बुक में है, 8 चैप्टर का नाम, रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन। उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का चैप्टर है दोस्तों। उसके बाद आइए देखिए यस ब्लॉक के तत्व, 10 चैप्टर का नाम है। ठीक है, 11 चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक के तत्व, प्लग के तत्व। उसके बाद 12 में है कार्बनिक रसायन कुछ मूल सिद्धांत तथा तकनीकें। उसके बाद 13 चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। 14 चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय रसायन। उसके बाद ठीक है दोस्तों, 14 चैप्टर है इसमें, लेकिन इसमें मैंने इतना ही चैप्टर है भाग टू में, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतना चैप्टर है। उसके पहले भाग वन में है या भाग टू में है सिलेबस आपका, देख लीजिए इसका आगे इकाई 8। रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, आइए देखते रहिए आप लोग। अंदर का ये बुक के इसी तरह है दोस्तों, ये ऑक्सीकरण अपचयन है दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको उसकी जानकारी, सिलेबस पूरा है दोस्तों, देखते रहिए पूरा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया त्रिविम समवेता सब दिया है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, बंधन दिया है। ठीक, पर्यावरण रसायन देखिए, उसके बाद सिलेबस खत्म हो जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पार्ट टू था, पार्ट टू।